बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल इन जस्ट 99 रुपीज में इतनी अच्छी कार्गो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम करने वाले हैं ह्यूज ज़ारा एंड H&M हॉल। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हॉल होने वाला है, बिकॉज आई थिंक मैंने 13-14 आइटम्स परचेज किए हैं। जो भी मैंने चीज़ें परचेज की हैं सभी स्टोर से मैंने परचेज की हैं, बट मैं ट्राई करूंगी कि सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, चेकआउट करना है, तो आप कर सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ गाइज, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल H&M के तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं गाइज, सीरियसली। और हाँ गाइज, अभी भी ज़ारा और H&M पर सेल चल रही है, तो आपको कुछ भी परचेज करना है बिकॉज बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल चीजें मिल रही हैं। अभी एकदम आई थिंक लास्ट चल रहा है सेल का, तो जो चीजें सेल में लाइक 1490 की थी वो अभी 790 की हो रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो रहा है। तो कुछ भी परचेज करना है, फटाफट से जाओ परचेज करो। ओके, तो अभी बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इन टू वीडियो। ओके एवरीवन, तो सबसे पहले मैंने जो ज़ारा से परचेज किया था वो है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर सा जीन्स ब्लैक कलर में। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये वाली जीन्स, बिकॉज इस पे ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिब्ड पैटर्न मिल जाएगा। एकदम स्ट्रेट फिट जीन्स है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक जीन्स है, कुछ भी ऐसे पैटर्न वगैरह मतलब लाइक रिब्ड वगैरह नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा पॉकेट पे पैटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पॉकेट्स पे थोड़ा सा रिब्ड मिल जाएगा, और ये ना एकदम ऐसे ना डार्क ब्लैक वाला नहीं है, थोड़ा चारकोल ब्लैक वैसे वाला ब्लैक है। तो मुझे ऐसे वाले कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे ना एक ऐसे कलर में जीन्स चाहिए थी ब्लैक, तो यस। और इसमें मैंने साइज परचेज किया, अगर मैं साइज की बात करूँ, €32 और US 0, और ये है ब्रांड कॉल्ड ज़ारा से। और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2990, बट ये मैंने सेल में परचेज करी है इन जस्ट 1290 में गाइस, सीरियसली। और अभी तो आई थिंक ज़ारा में जीन्स 990 में भी आपको मिल जाएंगी, तो अगर आपको परचेज करना है तो जाओ और परचेज करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छी सेल चल रही है। सो यस, यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाएंगी, बहुत ही बेसिक जीन्स है, आई थिंक सबके वार्डरोब में होना चाहिए ऐसा बेसिक ना, एक यहाँ पे ना आपको ऐसे रिब्ड मिल जाएगा, उससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है जीन्स का। सो यस, ये था हमारा फर्स्ट आइटम। नेक्स्ट जो मैंने परचेज करा है वो है ये H&M से, जो भी आता जा रहा है मैं बस आपको दिखाती जा रही हूँ। तो ये मैंने शॉर्ट्स परचेज करा है लाइक ड्रेसेस के नीचे, और आप अपने लाइक क्लूटोज पैंट्स के नीचे पहन सकते हो, जो थोड़े सी थ्रू होते हैं, बहुत ही ऐसे ना एकदम बेज कलर है, न्यूड सा कलर है, तो मोस्टली सारे आउटफिट के साथ चला जाएगा। और अगर मैं इसमें प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो है 699 रुपीज़, और ये मैंने H&M से परचेज करा है, बट सेल में ये मुझे मिला है इन जस्ट 249 रुपीज़ में, इन जस्ट 249 रुपीज़ में। और इसमें मैंने साइज परचेज करा है एक्स्ट्रा स्मॉल, तो मुझे एकदम फिट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेचेबल है, और फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो यस, ये था हमारा नेक्स्ट परचेज जो कि मैंने H&M से परचेज करा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि मैंने क्या परचेज करा है। सो यस, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट थिंग इन दिस हॉल फ्रॉम ज़ारा। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं इस वाले हॉल में। सो वो है ये एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा ड्रेस, एज यू गाइस कैन सी, बेज कलर में ड्रेस है। और ये ड्रेस मैंने ना अभी कुछ दिन पहले, एक सेलिब्रिटी है सुरभि ज्योति, जिनका सीरियल आता था कबूल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उन्होंने वाला ड्रेस पहना हुआ था, तब से मुझे हो गया था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी ये वाली ड्रेस चाहिए। और मतलब ऐसे हुआ कि ज़ारा में सेल में मुझे ये ड्रेस मिल गई, और सिर्फ यही साइज़ बचा हुआ था, तो मैंने फटाफट से ले ली। इसमें अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका जो साइज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल है, और ये मैंने परचेज करी है इन जस्ट 990 रुपीज़ में गाइस। और अगर मैं आपको इसका ओरिजिनल प्राइस बताऊँगी तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 3290, कैन यू इमेजिन 3290। और अगर मैं इसमें फैब्रिक की बात करूँ तो गाइज ये लीलियन ब्लेंड फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये ना एकदम ऐसे बीच वाइब दे रहा है, लाइक आप इसको बीच पे भी पहन सकते हो, ब्रंच पार्टी आप इसको जैसे स्टाइल करना चाहो वैसे कर सकते हो, और काफ़ी बार स्टाइल कर सकते हो, बिकॉज ये बेज कलर है, तो आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो, किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हो। और यहाँ पे ना आपको ये, वेट अ मिनट गाइज,
और यहाँ पे ना आपको ये बटन वाला पैटर्न मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। जब सुरभि ज्योति ने वाला ड्रेस पहना था ना, मैं वो पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। साइड में आपको यहाँ पे जिप मिल जाएगी, और अगर मैं इसमें बैग की बात करूँ तो उसका बैग भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एज यू गाइज कैन सी यहाँ पे ना ये टाइप दिया हुआ है, पीछे इलास्टिक दी हुई है जिससे कि बहुत ज्यादा अच्छी फिटिंग आ रही है इसकी। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना नीचे ऐसे स्लिट दी हुई है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रही है गाइज। और बेसिकली ये ना एक मैक्सी ड्रेस है, तो पर्सनली ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आप मेरी वीडियोज देखते हो तो आपको पता होगा कि मुझे बेज, वाइट, ब्लैक ऐसे कलर बहुत बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ओके, सो इस ड्रेस की बहुत ज्यादा बातें हो गई, अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। तो नेक्स्ट जो मैंने परचेज करा है वो है H&M से मैंने परचेज करा है, एंड गाइज आप बिलीव नहीं करोगे इतना ज्यादा सस्ता मैंने ये परचेज करा है। तो वो है ये ब्लैक डेनिम शॉर्ट्स, और इसमें अगर मैं बात करूँ साइज की तो इसमें मेरा साइज है U.38 एंड U.6। ये मुझे हल्का सा लूज आ रहा है बट ठीक है, उतना चल जाएगा। और ये है H&M ब्रांड से, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 799 रुपीज, बट गाइस ये मैंने परचेज करा है इन जस्ट, लेट मी चेक, या इन जस्ट 149 रुपीज में मैंने ये परचेज करा है, सिर्फ 149 रुपीज में H&M का शॉर्ट्स डेनिम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका मतलब वैसा कोई शॉर्ट है जिसको आप घर में पहन लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है टी शर्ट के साथ। मैंने इस वाली टी शर्ट के साथ ट्राई करा था, सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा एकदम बेसिक है। यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा सस्ता H&M में कुछ हो सकता है, बट मैंने एक और चीज़ परचेज करी जो भी मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी वो इससे भी सस्ती है। मतलब इससे ज़्यादा सस्ता मैंने ना H&M में कुछ देखा नहीं है पहले। मतलब उसकी जो नेल पेंट वगैरह भी आती हैं वो भी 99 की तो एटलीस्ट आती है, या 149 की, बट आपको 149 में शॉर्ट्स मिल रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। बहुत हल्का सा लूज है ये मुझे, बट ठीक है चल जाएगा काम। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज। तो जो मैंने H&M से नेक्स्ट परचेज करा है वो भी एक डेनिम शॉर्ट्स ही है, और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूंगी गाइस तो आप बोलोगे सीरियसली, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था जब मैंने ये उठाया था, जब मैंने बिलिंग कराई तब मुझे लगा कि ठीक है अभी इतने का ही है। ओके, तो इसमें भी मैंने साइज परचेज किया है 38, U.38 एंड U.6। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये एक ब्राउन कलर का शॉर्ट्स है, एज यू गाइस कैन सी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, आप वेकेशन पे जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा कम्फी है, सो यस। और अगर मैं इसमें प्राइस की बात करूँ गाइस, सो इसका जो प्राइस है वो है ओरिजिनल 799 रुपीज़, सेम जो ब्लैक वाले का था ओरिजिनल प्राइस, बट ये मैंने परचेज करा है इन जस्ट 99 रुपीज़ में। कैन यू बिलीव जस्ट 99 रुपीज़ में H&M का शॉर्ट आपको मिल रहा है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना ये, मतलब यार 100 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा और वो भी H&M में। सो मैंने बोला ये तो मैं उठा ही लेती हूँ फटाफट, बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, और 99 रुपीज़ के हिसाब से तो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है। सो यस, ये था हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम H&M। नाउ मूव ऑन टू द ज़ारा। तो मैंने ये टॉप परचेज किया है ज़ारा से, ब्लैक कलर का, बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉप है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है किसी भी वीडियो में कि मैं वीडियो बना रही हूँ और कुछ ब्लैक में परचेज ना करूँ, मैंने शॉपिंग करी और कुछ ब्लैक ना हो। सो यस, ये है बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा लाइक राउंड नेक में टॉप, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आपने देखा भी होगा। और उसकी जो क्वालिटी है ना गाइस, लुक एट द स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा अच्छी फिटिंग आ रही है इसकी पहनने के बाद। और ना ब्लैक में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारे हैं मेरे पास अलग अलग जो लाइक हॉल्टर नेक में हैं, और एक मेरे पास लाइक फुल स्लीव में भी है, ब्लैक टी शर्ट भी है, मतलब बहुत सारे हैं मेरे पास ब्लैक में, बट ऐसा कुछ नहीं था लाइक ऐसे क्रॉप और ये स्क्वायर नेक और राउंड नेक, आई डोंट नो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। सो यस, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। और अगर मैं इसमें साइज़ की बात करूँ तो इसका जो साइज़ मैंने परचेज करा है वो है U.S, और इसमें मैंने इसका जो प्राइस है गाइस वो है 1890 रुपीज़, इसका ओरिजिनल प्राइस है। इसमें बहुत सारे कलर हैं, वहाँ पे रेड कलर है, बेज कलर है, और ये मैंने परचेज करा है गाइस इन जस्ट 490 रुपीज़ में, और 490 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है सीरियसली। होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा है गाइस, कहीं नहीं जाने वाला है, 2-3 साल आप खूब पहनो, जितना पहनना चाहो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है सीरियसली। सो यस, ये था हमारा नेक्स्ट परचेज फ्रॉम ज़ारा। इसमें ना एक रेड कलर भी था बट वो मेरे साइज में अवेलेबल नहीं था, अगर मेरा साइज होता तो मैं ज़रूर से ले लेती, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है बिकॉज ये पहनने के बाद। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज जो मैंने ज़ारा से करी है, एंड जो मैंने ड्रेस दिखाई थी वो
और जो अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ वो, ये मुझे दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं. ओके सो नेक्स्ट आई बॉट दिस फ्रॉम ज़ारा. ओ माई गॉड गाइज, आई डोंट नो मेरे पास कितनी सारी कार्गो हो गई है, मुझे कार्गो फीवर चढ़ा हुआ है सीरियसली. मैंने इतनी सारी कार्गोज परचेज कर ली हैं लास्ट वन ईयर में. ओके सो अभी बात करते हैं हम इसकी. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है गाइज, बहुत ज़्यादा सुंदर है. ये बेसिकली एक वाइड लेग कार्गो है, और अगर मैं इसमें साइज की बात करूँ तो इसमें मैंने साइज परचेज करा है यूरो 34 यूएसए 2. मतलब मुझे ना ज़ारा का यूएसए 0 और यूएसए 2 मतलब फिट हो जाते हैं. सो यस, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइज. जस्ट लुक एट द पॉकेट्स, 10-11 पॉकेट्स हैं. बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है. और मैंने जो अभी आपको ब्लैक टॉप दिखाया था ना, मैंने उसके साथ ट्राई करी थी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी. और अगर मैं इसमें शेड की बात करूँ तो ये जो कलर है ये बेज कलर नहीं, आई नो कि यहाँ से बेज लग रहा होगा, बट उसमें जो लिखा हुआ है वो है चॉक पिंक कलर. ये चॉक पिंक कलर है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइज. यहाँ पे ना इसमें आपको रिब्ड पैटर्न मिल जाएगा ऐसे कहीं कहीं पे, तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है. मुझे पर्सनली बचपन से, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेंड चल रहा है, मुझे बचपन से कार्गोज बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती हैं. और पीछे ना पॉकेट पे भी आपको ये रिब्ड वाला पैटर्न मिल जाएगा. और अगर मैं इसमें प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है ओरिजिनल ये 4000 रुपीज़ की है गाइज, 3990 की. पहले ना मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि मेरे पास बहुत सारी कार्गोज हो गई है, मैं लूँ या ना लूँ, बट इसका जो सेल प्राइस है वो है 1590 यहाँ पे लिखा हुआ है. बट क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ज़ारा में, जैसे अभी 1590 है, मे बी ये 1290 की हो सकती थी, तो मैंने स्कैन करके चेक करा तो ये एग्जैक्ट 1290 की ही थी. तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ. 1290 में आपको इतनी अच्छी कार्गो कहीं पर भी नहीं मिलेगी सीरियसली गाइज. सो यस, ये था हमारा नेक्स्ट परचेज फ्रॉम ज़ारा. एंड बिलीव मी गाइज, ये लास्ट पीस बचा हुआ था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी बिकॉज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी. नीचे भी ना इसमें आपको ये रिब्ड वाला पैटर्न मिल जाएगा. सो पर्सनली मुझे ये काफ़ी पसंद आई और ये मेरी फेवरेट है, मतलब वो वाली ड्रेस और ये मेरी फेवरेट है इस पूरे हॉल में. सो यस, ये थी हमारी नेक्स्ट परचेज फ्रॉम ज़ारा. नाउ मूव ऑन टू द लाइक एक्सेसरीज. मैंने कुछ बैग नहीं मतलब एक बैग और कुछ एक्सेसरीज में से भी परचेज करा है. अभी मूव करते हैं फुटवेयर जो मैंने परचेज करी है ज़ारा से. तो वो है ये ऑफ वाइट कलर में फुटवेयर. जस्ट लुक एट दिस. ऐसा ना कुछ था नहीं मेरे पास, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है मुझे. और इसमें मैंने साइज़ परचेज करा है 34. बेसिकली मैंने किड्स सेक्शन में से उठाई थी और मुझे एकदम फिट आ रही है. मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो मुझे किड्स में से चीज़ें मैं परचेज कर लेती हूँ, टी शर्ट भी, कपड़े भी, शूज़ भी, मैं सब परचेज कर लेती हूँ किड्स में से. सो यस, और इसमें अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इनका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2490 रुपीज, बट ये मैंने परचेज करी है जस्ट 690 रुपीज में. बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है पहनने के बाद. ड्रेसेस, शॉर्ट्स, जीन्स सब पे चली जाएगी. बहुत ही बेसिक कलर है. सो यस, इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ है नहीं. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट जिसका मैं बहुत बहुत टाइम से वेट कर रही थी. मैंने ये काफ़ी टाइम से विशलिस्ट किया हुआ था ज़ारा में. तो वो है ये डफल बैग बोल सकते हो आप, हैंड बैग बोल सकते हो, कलर ब्लॉक हैंड बैग और डफल बैग. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइज. और सीरियसली मैंने इतने टाइम से विशलिस्ट किया हुआ था बिकॉज इसका जो ओरिजिनल MRP है मुझे उतना ही वर्थ नहीं लग रहा था. मुझे लग रहा था अगर ये सेल में अवेलेबल होगा तो मैं परचेज कर लूँगी. और सेल में भी मैंने बहुत ज़्यादा वेट करा है इसके और प्राइजेस कम होने का. पहले ये सेल में था आई थिंक 3990 का, फिर ये हुआ 2990 का, उसके बाद ये हुआ 2290 का. फिर मैंने सोचा अभी तो ले लेती हूँ क्योंकि बिकॉज मैंने चेक करा था स्टोर पर भी एक ही पीस बचा हुआ था, तो उस दिन मैंने ये ले लिया फाइनली. बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है. एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ चेन, बहुत ज़्यादा अच्छी है. जस्ट लुक एट दिस. और यहाँ पे ना आपको ये अंदर एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा छोटा सा, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. एंड यहाँ पे भी ना आपको एक सेकेंड, यहाँ फ्रंट में आपको एक हिडन पॉकेट मिल जाएगी. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है. और यहाँ पे आपको ये वाली बेल्ट भी मिल जाएगी, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड जस्ट लुक एट दिस,
तो आप इसको लाइक इजीली, अगर आपको ऐसे नहीं यूज करना है तो आप इसको हटा के भी यूज कर सकते हो। मतलब ये ना ऐसा है कि अगर आपको कहीं एक दो दिन के लिए जाना है तो आप इसमें आराम से अपनी पैकिंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे पर्सनली। सो यस, ये था हमारा नेक्स्ट परचेज फ्रॉम ज़ारा। इसका जो प्राइस है ओरिजिनल वो है 4590 रुपीज, और ये मैंने परचेज करा इन जस्ट 2290 में, तो 2290 के अकॉर्डिंग तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द लास्ट परचेजेस। ओके, सो अभी मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं, फुटवेयर, बैग जो भी मैंने परचेज करे थे, जीन्स, ड्रेसेस। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द परफ्यूम। ये भी मैंने ज़ारा से किड सेक्शन से ही परचेज करा है, और इसमें अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 790 रुपीज, बट ये मैंने परचेज करा है इन जस्ट 390 रुपीज में, और ये है यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है लिटिल गर्ल, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है गाइज, बिकॉज मुझे जो सॉफ्ट वाली फ्रेग्रेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम लाइट लाइट सी, बहुत स्ट्रांग मुझे नहीं पसंद है। सो बहुत अच्छी है। अब ऐसे मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ कि ये कैसी फ्रेग्रेंस है, बट लुक एट द बॉटल गाइज, इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना ये, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और 390 में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यस, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आई थिंक आराम से 5-6 घंटे टिक जाता है। सो यस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है, एकदम लाइट सॉफ्ट। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द लास्ट परचेज ऑफ दिस हॉल। सो ये बेसिकली मैंने सनग्लासेस परचेज करे हैं ज़ारा से, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे मुझे, और बेसिक एकदम ब्लैक कलर के सनग्लासेस हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर डिटेलिंग मिल जाएगी लाइक दिस, एकदम राउंड वाले सनग्लासेस हैं, मुझे अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं पहनने के बाद। चलिए ये तो मैं आपको पहन के दिखाई देती हूँ, जस्ट लुक एट दिस गाइस, अच्छे लग रहा है ना। ओके, सो यस, ये था काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो शेड है ना एकदम ऐसे ब्लैक भी नहीं है, थोड़ी डार्क ग्रेइश में है। सो यस, का जो प्राइस है वो है 1190 रुपीज, और ये मैंने परचेज करा है जस्ट 350 रुपीज में सनग्लासेस। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं प्रो हो चुकी हूँ ज़ारा की शॉपिंग में, सेल में से शॉपिंग करने में, जितनी भी सस्ती और अच्छी चीज़ें हैं ना मैं सब परचेज कर लेती हूँ। सो गाइस, गाइस बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई मेरी, एंड या गाइस दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं मैं ट्राई करूंगी कि सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ताकि जो भी अभी अवेलेबल हैं वो आप, अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप परचेज कर सको। सो यस गाइज, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, सी यू सून।